इसे काफ़ी वायरल हो रही एक न्यूज़ के बारे में, जो कि आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जहाँ जहाँ सोशल मीडिया यूज़ हो रही है, हर जगह वो न्यूज़ वायरल हो रही है। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊँगा न्यूज़ है क्या। तो गाइस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो गाइस ये घटना है 6 फरवरी शुक्रवार मैंगलोरू की। तो मैंगलोरू में एक हॉस्पिटल है, फादर मूलर हॉस्पिटल। तो गाइस जहाँ पर एक बच्चा 40 दिन से अपनी ज़िंदगी से खेल रहा था, और गाइस उस बच्चे का नाम मैं बता रहा हूँ। तो गाइस उस बच्चे का नाम था सुफुल अजमन। वो बच्चा लड़का था और उसका नाम था सुफुल अजमन। वो बच्चा 40 दिन से दिल की बीमारी से पीड़ित था और वो अपनी ज़िंदगी से खेल रहा। वो मैंगलोरु के हॉस्पिटल में भर्ती था। वहाँ के डॉक्टर ने के पास उतनी सुविधा नहीं थी कि उसका ट्रीटमेंट करवा सके। जो बच्चा था इसके इलाज के लिए इसके परिजनों ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की थी। वो थे हनीफ भाई, और मोहम्मद हनीफ उनका पूरा नाम है, और उनसे बात की थी। गाइस उन्होंने बोला मैंगलोर से बेंगलोर का रास्ता 345 किलोमीटर का है, जो कि आपको 4 घंटे में पहुँचाना है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो उन्हें हनीफ भाई ने बोला था, हाँ मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ, वो है कि आपको 0 ट्रैफिक करना पड़ेगा। तो गाइस वहाँ की जो पुलिस थे उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया और उस रास्ते में 0 ट्रैफिक कर दिया, क्योंकि जितना था ट्रैफिक था वो सब मतलब साइड कर दिया और ये काम संभव हो पाया। तो उन्होंने एम्बुलेंस को 4 घंटे में ही पहुंचा दिया, 345 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो गाइस हनी भाई ने अपनी जान पर खेल कर उस एम्बुलेंस को और उस बच्चे को और अपने आप को सेफ तरह से मैंगलोर से बेंगलोर पहुंचा दिया। तो गाइस एम्बुलेंस बेंगलोर पहुंचने के बाद उस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ। तो गाइस उस बच्चे को फिर जयदेवा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और इस टाइम मैं आपको बताऊं, तो गाइस अब तक की मुझे जो अपडेट मिली है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो वो बच्चा इस टाइम वेंटिलेटर में है और उसे निमोनिया बताया जा रहा है, इसलिए उसकी दिल की सर्जरी अभी इस टाइम नहीं होगी। तो वहाँ पर सारी मतलब सुविधाएँ मिल पा रही है उसको, इसलिए वो वहाँ पर जीवित है। तो गाइस वो बच्चा अब बच जाएगा। और गाइस उस बच्चे का ट्रीटमेंट जयदेवा हॉस्पिटल में ही चल रहा है, और जो हनी भाई ने जो एम्बुलेंस ले गए थे वो काफ़ी चर्चित में आ चुके हैं। तो गाइस जो हनी भाई हैं उनके साथ काफ़ी सारी अब्बाएँ भी जुड़ गई हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी उन्हें 5 लाख रुपये दे दिए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार जी ने 20 लाख या फिर 50 लाख या 20 लाख, ऐसे सारी अब्बाएँ चल रही हैं जो कि सारी फेक हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक अफवाह ठीक है, जो कि वो है हनी भाई सबके दिलों पर छा गए हैं। तो गाइस ये वीडियो का कंक्लूजन यही है कि गाइस मैं आपको बताऊँ, जो हनी भाई हैं वो कर्नाटका स्टेट के रहने वाले हैं, और ये वहीं एक एम्बुलेंस में मतलब जॉब करते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस में। तो गाइस उन पर भारत के सभी लोगों का काफ़ी गर्व है, और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस के ऐसे ड्राइवर की ज़रूरत है। तो गाइस इस तरह के अगर ड्राइवर होंगे तो जनता को कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कोई भी मरीज एम्बुलेंस में मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, भारत का रहने वाला हर निवासी उन हनीफ भाई को सलूट कर रहा है और सलाम कर रहा है कि हाँ उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि उनके पापा कौन थे उस लड़की के, उनके परिजन, और इस टाइम मतलब आने वाली अपडेट के साथ मैं आपको इस वीडियो में मिलूंगा। तो गाइस बने रहिए ऐसे मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस मिलते हैं।